डियर स्टूडेंट्स इन यूनिट फोर ऑफ ई एस सी आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ओसिन थर्मल इनर्जी कन्वर्जन दैट इज ओ टी ई सी विच इज द पार्ट ऑफ ओसिन इनर्जी जो हमारा अगला टॉपिक है वह है ओसिन थर्मल इनर्जी कन्वर्जन जिसे शॉर्ट में ओ टी ई सी भी कहते हैं और ये ओसिन इनर्जी का ही एक पार्ट है इट इज द मैथड फॉर जेनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी दैट यूज द टेम्परेचर डिफरेंस दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन डीप एंड शैलो वाटर्स सिंस वाटर गैट्स कोल्डर द डीपर वी को ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का ऐसा मेथड है जिसमें गहरे पानी और पुथले पानी के टेम्परेचर डिफरेंस का यूज होता है क्योंकि जब हम गहराई की तरफ जाते हैं तो वाटर ठंडा होता चला जाता है इफ़ देयर इज ए बिगर टेम्परेचर डिफरेंस देयर इज़ द ग्रेटर एफिशियंसी ऑफ दिस मैथड और इस मैथड की ये खासियत है कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो एफिशियंसी भी ज़्यादा होगी एंड मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस मस्ट बी एट लीस्ट थर्टी एट डिग्री फारेनहाइट हाइट बिटवीन द वार्मर सरफेस वाटर एंड द कोल्डर डीपर वाटर और इस मेथड को अप्लाई करने के लिए सरफेस के गर्म पानी और गहरे ठंडे पानी के बीच में मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस कम से कम थर्टी एट डिग्री फारेनहाइट होना चाहिए द टाइप्स ऑफ ओ टी ई सी सिस्टम्स आर एज फॉलोज ओ सिस्टम के ये निम्नलिखित तीन टाइप हैं एक एक करके हम लेंगे इनको नंबर वन क्लोज्ड साइकिल इसको पहले डायग्राम पर समझ लेते हैं क्लोज्ड <coughs> साइकिल को यहाँ से वार्म वाटर जो कि ऊपर की सरफेस से आएगा पंप होता है और ये पहुँचता है हीट एक्सचेंजर में जहाँ पर कि ये दूसरे वर्किंग फ्लूड को जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है उसको ये क्या करता है एवोपरेट करता है स्टीम बनाता है ये स्टीम इस, इस ट्रवाइन में जाती है और यह ट्रवाइन ड्राइव हो जाती है और इससे कनेक्टेड जनरेटर है वह ड्राइव हो जाता है और इस प्रकार से बिजली बन जाती है इसके बाद में यह स्टीम दूसरे हीट एक्सचेंजर में जाती है जो कि कोल्डर या कोल्ड सी वाटर के साथ में ऑपरेट होती है और ये जो अदर वर्किंग फ्लूड है ये यहाँ पर ठंडा होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और इसके बाद में ये साइकिल में दोबारा घूमने लग जाता है और इसके बाद दोनों ही हीट एक्सचेंजर से निकलने वाला वाटर कुछ अदर यूज में भी ले लेते हैं और इसके बाद में सीधा ये समुद्र में चला जाता है डिस्चार्ज हो जाता है अब इसको हम राइट अप में लेते हैं क्लोज साइकिल सिस्टम्स यूज फ्लूड विद ए लो बॉयलिंग पॉइंट मोस्टली अमोनिया टू रोटेट ए टर्न विच देन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ये साफ बात है कि ये जो फ्लूड है लो बॉयलिंग पॉइंट का उसको ये जैसे कि ये अमोनिया है उसको ये गर्म करेगा और टर्बाइन रोटेट हो जाएगी स्टीम बनने के बाद में और वहां से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी वार्म सरफेस सी वाटर इज पम्प्ड थ्रू ए हीट एक्सचेंजर वेयर द लो बॉयलिंग प्वाइंट फ्लूड इज वेपराइज्ड एंड एक्सपेंडेड वेपर देन स्टार्ट द टर्बन जनरेटर यह मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कोल्ड डीपर सी वाटर इज पम्प्ड थ्रू ए सेकेंड हीट एक्सचेंजर वेयर इट कंडेंसेज द वेपर बैक इन टू लिक्विड विच इज देन रिसाइकल्ड थ्रू द सिस्टम ये बात मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ इसके बाद में दूसरा सिस्टम यहाँ पर ओ का ले रहे हैं जिसका नाम है ओपन साइकिल ओपन साइकिल सिस्टम्स यूज द ट्रॉपिकल ओशंस वार्म सरफेस वाटर इन ऑर्डर टू मेक इलेक्ट्रिसिटी ये ओपन सिस्टम में क्या हो रहा है कि हम जिस वार्म वाटर का यूज करते हैं वो ट्रॉपिकल ओशीन वार्म वाटर सरफेस हैं सिंस वैन वार्म सी वाटर गेट्स प्लेस्ड इन ए लो प्रेशर कंटेनर इट बॉइल्स चूंकि जब हम वार्म सी वाटर को किसी लो प्रेशर कंटेनर में डालते हैं तो ये वहाँ पर बॉयल होने लग जाता है और ये हमारा पर्पज़ सॉल्व हो जाता है फ्टर दिस द एक्सपेंडेड स्टीम स्टार्ट ड्राइविंग ए लो प्रेसर टर्वाइन अटैच टू एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर यह बात आगे की बहुत आसान है वो लो प्रेशर की टर्वाइन को जनरेट करती है ड्राइव करती है और वहीं से इलेक्ट्रिकल जनरेटर अटैच होता है और वहां से फिर बिजली बन जाती है फाइनली बींगू ए लिक्विड बाय एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर टेम्परेचर फ्रॉम डीप ओशिन वाटर यानी कि फाइनली उस गर्म पानी का दोबारा हम कंडेंसेसन करते हैं डीप ओसिन वाटर से जो कि ठंडा होता है और वो दोबारा कंडेंस होकर के वहीं पर पहुंच जाता है जहां से वो आया है इट्स एफिशेंसी वाज अचीव 97 सेवन परसेंट इन मे टू सॉरी नाइनटीन इसकी जो एफिशिएंसी है वो मई उन्नीस में 97 परसेंट पाई गई जो कि काफी है बहुत अच्छी है चलिए और अब आते हैं हम थर्ड पे जो कि हाइब्रिड है हाइब्रिड का मतलब होता है मिश्रित दीज सिस्टम्स आर डिजाइंड बाई कम्बाइनिंग पॉजिटिव फीचर्स ऑफ बोथ द क्लोज एंड ओपन साइकिल सिस्टम्स इसका मतलब साफ है के हाइब्रिड सिस्टम ओपन और क्लोज साइकिल सिस्टम्स के पॉजिटिव फीचर्स को लेकर के बनाया गया है जो जो पॉजिटिव फीचर हैं दोनों के वो इसमें आ जाएंगे वर्किंग प्रोसीजर इन हाइब्रिड सिस्टम इंक्लूड्स वार्म सी वाटर दैट एंटर्स इन टू ए वैक्यूम चेंबर वेयर इट गेट्स वेपोराइड इन टू एवेपोरेटेड इंटू स्टीम ठीक उसी तरह से जैसे क्लोज साइकिल में हुआ था सी वाटर जो कि वार्म है एक वैक्यूम चैम्बर में ले जाया जाता है जहां पर के ये एवोपरेट होकर के स्टीम बन जाती है प्रोसीजर वेरी सिमिलर टू ओपन साइकिल एवोपरेशन प्रोसेस और ये जो प्रोसीजर है वो ओपन साइकिल एवोपरेशन प्रोसेस की तरह ही है एंड आफ्टर स्टीम वेपोराइज ए लो बॉइलिंग पॉइंट फ्लूड और यही स्टीम लो बॉइलिंग पॉइंट के फ्लूड को वेपोराइज करती है और आगे की प्रक्रिया उसी तरह से है कि वो स्टीम बनेगी टरबाइन को घुमाएगी जनरेटर घूमेगा बिजली बनेगी इन एक क्लोज साइकिल लूप और ये यहाँ पर क्लोज साइकिल लूप की तरह चलता है दैट ड्राइव्स ए टरबाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ठीक उसी तरह से एक ट्रवाइन ड्राइव होती है उसके बाद जनरेटर ड्राइव होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है So, it is all about the OTEC, that is Ocean Thermal Energy Conversion. Thank you so much.